प्रेग्नेंट सास। जमाना कितना भी बदल जाए, इतना भी नहीं कि बहू घर आए और सास गर्भवती दिख जाए। देखो मीरा, माँ का पूरा ख्याल रखना है, उनसे अब काम नहीं होता है। क्यों, क्या हो गया है? तुम्हारी माँ तो हट्टी कट्टी दिख रही है, पूरी शादी में घोड़ी की तरह नाची है, अब क्यों काम नहीं होता उनसे? वो माँ प्रेग्नेंट है ना, बच्चा होने वाला है, मैं कभी भी भाई बन जाऊंगा इस साल के अंत तक। क्या बोल रहे हो? वो सर पर हाथ रख कर बैठ जाती है। यार पहले क्यों नहीं बताया, कैसा मजाक है ये, झूठ बोल रहे हो ना? हाँ झूठ बोल रहे हो ना? तभी ससुर की आवाज आती है। बहू पानी गर्म कर दे, तेरी सास को दवाई देनी है, समय पर दवाई ना दी तो परेशानी हो जाएगी। और हाँ जरा काजू पीस कर दूध में मिलाकर ले आना, तेरी सास खुद से तो अपनी संभाल करेगी नहीं। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ, ये ससुर जी को क्या हो गया है? मैं क्या सोच कर आई थी, हाय रे, मैं तो किसी को मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगी। अब ये रोना धोना बाद में करना, पहले गर्म पानी कर दो, माँ को दवाई देनी होगी। और हाँ रात को माँ के पैरों में तेल लगा देना। बहू को गुस्सा आ जाता है, वो बड़बड़ करती किचन में जाती है जहाँ उसका ससुर खड़ा होता है। एक बड़ी जिम्मेदारी है हम सब के सर ऊपर, इस उम्र में माँ बनना खतरे से खाली नहीं होता। हाँ हाँ पता है, तो क्यों बन गई माँ? अरे खतरे से कम नहीं है, तो क्या जरूरत थी लल्ला पैदा करने की? कैसी बात कर रही हो बहू, क्या तुम खुश नहीं कि घर में एक नया मेहमान आएगा, छोटे छोटे पैरों से पूरे घर में घूमेगा। पिताजी ये हाथ जोड़े आपके, आप यहाँ से जाओ, ये शायरी बाद में बताना, अभी मैं पानी गर्म करके थर्मस में दे देती हूँ, सारा दिन पिलाते रहो गर्म पानी। और हाँ ये बच्चे की बात बार बार मुझसे कोई नहीं करेगा। बहू का पारा अब चढ़ा ही रहता था, वो काम तो सारा करती लेकिन किलस किलस कर। मीरा सारे काम से फुर्सत पाकर बैठी होती है कि माँ का फोन आ जाता है। बेटा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तेरे सर पर, अच्छे से निभाना। ससुराल में हर किसी को खुश रखना वैसे तो मुश्किल है, लेकिन भगवान ही हिम्मत देता है बहू को हर कुछ सहकर सबको खुश रखने की। क्या बड़बड़ किए जा रही हो माँ, जानती भी हो कि यहाँ क्या चल रहा है? मेरी सास, अरे तेरी सास तो देवी है देवी, कितने खुश हो रहे थे सारे तेरी सूरत देख देख कर, पता नहीं जैसे बहू नहीं कोई मन मांगी मुराद मिल गई हो उन लोगों को। अरे बात तो पूरी सुनो, मन मांगी बुरा तो पूरी हुई है, अरे मेरी सास को बच्चा होने वाला है, प्रेग्नेंट है वो। क्या बकवास कर रही है मीरा, ये बात किसी को कहना मत, मुझे तो बता दिया लेकिन अब अपनी जबान सिल ले। कहाँ है तेरी सास, बात तो करा मेरी, पूछू जरा। पोता पोती खिलाने की उम्र में खुद का बच्चा खिलाने का शौक कहाँ से आ गया, और आया भी तो बताना तो चाहिए था। अब क्या नाक कटाने के लिए हम लोगों से रिश्ता जोड़ा है? रुक तेरे पापा से बात करती हूँ। मीरा फोन रखकर लेट जाती है, वो एक सपना देखती है कि उसकी गोद में एक बच्चा खेल रहा है। भाभी की गोद में कितना खुश दिख रहा है ना, लग ही नहीं रहा कि भाभी है। मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, सोने की बालियाँ, तेरी शादी में तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा ना। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, इसकी जिम्मेदारी तो तू ही लेगा, हम लोगों का तो कोई भरोसा नहीं कब ऊपर वाला उठा ले। बहू को सास को देख देख कर गुस्सा आ रहा था, तभी वहाँ पड़ोसन आ जाती है। अरे बहू तुझसे तो पूछने से भी डर लगता है कि कब खुशखबरी सुना रही है, अब तो अपनी एक महीने की ननद की ही जिम्मेदारी संभाल ले बहुत है। अपने जेवर भी रख देना और पैसे भी जमा करना शुरू कर दे। वो बात आगे बढ़ाती उससे पहले ही बहू जोर से चिल्लाकर उठ जाती है। नहीं 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 नहीं, मैं अपने जेवर किसी को नहीं दूंगी। अरे कौन ले रहा है तुम्हारे जेवर, तुम औरतें भी ना सपने में भी जेवर ही संभालती रहती हो। मैंने जो सपना देखा है ना, सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। अच्छा तुम अपना सपना बाद में बताना, पहले मेरा सुनो। कल मैंने इतना अच्छा सपना देखा, इतना अच्छा सपना देखा कि अगर वो पूरा हो जाता है ना तो मैं तुम्हारे लिए रानी हार बनवा दूंगा। बहू अब सारे गम भूलकर पति का सपना सुनने में लग जाती है। अरे क्या सपना था बताइए ना, बोलिए भी तो क्या सपना है, मैं पूरा कर दूंगी अगर बात रानी हार की है तो, बोलिए बोलिए। मैंने रात को सपना देखा कि माँ को बेटी हुई है और मुझे बहन, सच्ची इस घर में बेटी हो जाए तो मैं तो झूम ही उठूं। मीरा का मुंह बन जाता है, वो चुप हो जाती है और सपने की बात याद करती है कि बेटी हुई तो उसे ही अपने गहने उसे देने होंगे, फिर तो रानी हार की जरूरत पड़ेगी ही भाई, लड़की बड़ी होगी उसकी शादी होगी तो जेवर तो चढ़ाने ही होंगे ना, कहाँ से आएंगे वो। कितने समझदार हो तुम मीरा, मैंने भी यही सोचकर तुम्हारे लिए रानी हार लेने का सोचा था। अरे फूटी किस्मत मेरी जो ऐसा परिवार मिला, मेरे पापा की तो मैं अभी क्लास लगाती हूँ, जो सब जानते हुए भी ऐसे परिवार में मेरी शादी कर दी।
बहू पिता को फोन लगाने ही वाली होती है कि ससुर की फिर से आवाज आती है। बहू गरम पानी ले आ जल्दी, थर्मस में खत्म हो गया है। बाद में खबर लेती हूँ मैं पापा की, पहले सास को गरम पानी दिया हूँ। बहू अभी किचन में काम कर ही रही थी कि मीरा के मम्मी पापा आ जाते हैं। वो हाथ में ढेर सारे फल लेकर आते हैं। मीरा के पिता मीरा के ससुर से कहते हैं, लीजिए भाई साहब ये फल रखिए, बहन जी को खिला दीजिएगा। वैसे कैसी है उनकी तबीयत? बस पता तो है आपको, ऐसे वक्त में जो होता है बस वही सब। मुझे तो सुनकर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन चलिए भाग्य में जो है लिखा उसे कौन टाल सकता है। डॉक्टर को दिखाए? हाँ हाँ बस डॉक्टर आने ही वाला है, अच्छा हुआ आप लोग भी आ गए। उतने में एक सुंदर सी लेडी डॉक्टर आती है। पेशेंट कौन है आप? अरे नहीं जी, मैं तो बहू हूँ इस घर की, मैं तो अभी सोच भी नहीं सकती पोता या पोती के बारे में, अभी तो मेरी सास ही। अरे चुप हो जाना, देख तो ले डॉक्टर है ये, किसी के भी सामने गुस्सा फोड़ देती है। डॉक्टर कमरे में जाती है और थोड़ी देर बाद बाहर आ जाती है, पीछे से सास भी निकल आती है। हे भगवान, इतना दुख तो किसी को भी ना दे जितना मुझे दिया है। देखिए बहन जी, आप लोगों को तो ये सोचना भी नहीं चाहिए था। वही तो मैं भी कह रही थी कि आप लोगों के लिए तो सोचना भी गुनाह है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। मैं माँ नहीं बन सकती, मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ। ये कैसे, तुम तो बोल रही थी कि? अरे वो गैस का दर्द था और पेट भी गैस से फूल रहा था, डॉक्टर ने चूर्ण दे दिया है गर्म पानी से फांकना है। मैं भी लाती हूँ गर्म पानी, अरे मैं तो गीजर ही लगा देती हूँ। हाय रे, खुशी के मारे पागल ना हो जाऊं।